हिंदू धर्म में आषाढ़ का महीना बहुत ही विशेष माना जाता है, खासकर आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसे विधि विधान से करने पर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के महत्व और इसके व्रत को कैसे करें। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह चातुर्मास का पहला महीना होता है। इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु के निमित्त पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और सभी पाप समाप्त होने की मान्यता है। माना जाता है कि मरणोपरांत व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमने ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की, उन्होंने बताया कि साल भर में 24 एकादशियां होती हैं और सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की बरसात करती हैं। इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी और यह कृतिका नक्षत्र में होगी। सबसे पहले तो ये बतलाना अनिवार्य है, पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, परंतु उनका फल अलग अलग होता है। तो हमें महत्वपूर्ण बात यह है, जो चातुर्मास में जो ये योगिनी एकादशी का आगमन हो रहा है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का आगमन हो रहा है, तो योगिनी एकादशी का महत्व सबसे अधिक भगवान विष्णु भगवान जी से जुड़ा हुआ है। कोई भी एकादशी हो, वैसे तो सभी का फल बहुत ही अनुकूल होता है और ये भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित है। योगिनी एकादशी को जब हम करते हैं तो उसका विधि विधान से भली भांति पालन करना चाहिए। चातुर्मास की पहली एकादशी पर व्रत करने से जीवन में आए सभी दुख, कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। व्रत करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, ध्यान और भजन करना चाहिए। पंडित श्रीधर शास्त्री के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है और भगवान विष्णु को भोग लगाने वाले प्रसाद में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। जब योगिनी एकादशी आती है तो उस दिन हमारे प्रातःकाल से ही अच्छे आचरण हो, प्रातःकाल हम उठें, मन हमारा पवित्र हो और हमें उस एकादशी के संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसा कि जो हमारी तुलसी होती है ना, तुलसी, उसको उस दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना उसके पत्ते तोड़ने चाहिए और न ही उस दिन थोड़ा उसमें जल दें। पहले से ही जल समर्पित करना है तो उससे पहले कर सकते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है, दशमी तिथि में ही हम तुलसी दल तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हम भगवान विष्णु जी के लिए हम प्रसाद को बनाते हैं, उसमें तुलसी दल को मिलाना, उसमें मिक्स करना जरूरी है, क्योंकि तुलसी का और भगवान विष्णु का एक आपस में प्रगाढ़ संबंध है। इसीलिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती, जिस प्रकार से सत्यनारायण की पूजा में भी इस प्रकार का महत्व माना जाता है, तुलसी का इसमें समावेश करते हैं तभी उस व्रत का महत्व होता है। एक तो कोई भी मांस मदिरा, कोई गलत चीज़ का आहार, प्याज लहसुन इत्यादि, ये सब इनका निषेध होता है कि चावल बिल्कुल न खाएं। और चावल खाने का बहुत बड़ा एक दोष लगता है, क्योंकि अगर हम चावल खाते हैं ऐसा मानते हैं कि ये जैसे हमने कीड़े खा लिए हों, तो इसीलिए इसका एक दोष नहीं उतर पाता। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श करना, उसके पत्ते तोड़ना और उसमें पानी देना वर्जित होता है, क्योंकि तुलसी भी भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत करती है। इसलिए एकादशी के व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। योगिनी एकादशी को यदि हम बहुत ही एक नियम पूर्वक करते हैं और इसको निराहार अगर किया जाए, उससे इसका और महत्व बढ़ जाता है। एक और बात बताई गई है कि जो एकादशी से अगले दिन इसके व्रत दान का भी विधान है। एकादशी के दिन व्यक्ति को लहसुन,
प्याज और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का दोष लगता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में धन का अभाव नहीं होता। तो दोस्तों, इस योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्रत और पूजा का संकल्प लें। लोकल 18 के लिए हरिद्वार से ओम प्रयास की रिपोर्ट।